हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। तो आइए आज हम बनाएंगे मोटी वाली हरी मिर्च की सब्जी। तो मिर्ची की सब्जी बनाने के लिए मैं यहाँ पर ली हूँ 8 मोटी वाली मिर्च और मैं इसे अच्छे से धो करके इसकी डंठल निकाल ली हूँ। इसकी सब्जी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लाजवाब बनता है, सबको बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ गैस पर एक कढ़ाई गर्म की हूँ। अब मैं इसमें डालूंगी सरसों का तेल, आप कोई भी तेल ले सकते हैं। तो तेल हमारा गर्म हो गया। अब मैं इसमें डालूंगी 1 पिंच हींग, 1/2 स्पून साबुत जीरा, 1 तेज पत्ता। और जीरा को हम गोल्डन ब्राउन होने देंगे। तो जीरा हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो अब मैं इसमें डालूंगी चौक किया हुआ प्याज। तो मैं यहाँ पर एक प्याज को अच्छे से चौक कर ली थी, मैं इसमें डाल दूंगी और इसे गोल्डन ब्राउन होने देंगे। तो देखिए प्याज हमारा बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 स्पून हल्दी पाउडर, 1/4 स्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 स्पून धनिया पाउडर, 1/2 स्पून जीरा पाउडर। और हम इसे बिल्कुल अच्छे से भूनेंगे जब तक कि हमारे मसालों से तेल बाहर नहीं आने लगे। तो मैं इसमें डालूंगी 1 स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे हम बिल्कुल अच्छे से भूनेंगे। तो देखिए हमारा मसाला बिल्कुल अच्छे से भून गया है, इससे तेल भी बाहर आने लगा है। हमारा सब्जी बहुत ही लाजवाब, बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। तो अब मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्ची। तो मैं इसमें सारी मिर्ची को ऐड कर दूंगी और इसे हम 2 मिनट तक लगातार मसालों के साथ चलाते हुए इसे भी थोड़ा सा सीख लेंगे। देखिए 2 मिनट हो गया है, हमारा मिर्ची भी बिल्कुल अच्छे से मसालों के साथ थोड़ा सा सीख गया है। तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी पानी। तो मैं यहाँ पर 1 कप पानी ली हूँ, बट मैं यहाँ पर 1/2 कप पानी का यूज की हूँ। आप पानी अपने ग्रेवी के अनुसार डाल सकते हैं, आपको जैसा भी ग्रेवी रखना हो। तो मैं इसे अच्छे से एक बार चला लूंगी और इसे ढक्कन लगा करके 10 मिनट तक पकने दूंगी। मिर्ची बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाती है, इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है पकने में। तो 10 मिनट हो गया है, अब हम इसे ढक्कन हटा करके देखते हैं। देखिए हमारी मिर्ची बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है, बिल्कुल अच्छे से पक गई है। तो अब मैं यहाँ पर डालूंगी 1/2 कटोरी फ्रेश दही। दही हमारी खट्टी नहीं है, बिल्कुल ताज़ी दही है। तो मैं इसे इसमें डालने के बाद लगातार इसे चलाते हुए भूनेंगे ताकि हमारा दही फट नहीं जाए। तो इसे हमें लगातार चलाते रहना है। तो देखिए हम इसे बिल्कुल लगातार चलाते हुए दही को अच्छे से भून ली हूँ। हमारा दही अच्छे से भून गया, इसे तेल भी बाहर आने लगा है। तो मैं इसी के साथ यहाँ पर डालूंगी 1/2 स्पून गरम मसाला पाउडर और इसे भी एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो देखिए हमारी मिर्ची की सब्जी बनकर के बिल्कुल रेडी हो गया है। कितना लाजवाब, कितना परफेक्ट बना है। आप इसे पूरी पराठा किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगी